मुझे लगता है इस पर राहुल गांधी जी को देश को उत्तर देना चाहिए, देश के सामने सच्चाई लानी चाहिए। आखिरकार यूपी से भी मुझे लगता है जिस तरह से राहुल गांधी जी, उनको विश्वास नहीं रहा यूपी की जनता पर। लगता है कि अमेठी में जैसे वो गायब रहे और स्मृति ईरानी जी अमेठी की सेवा करती रही, तो इस बार अमेठी ने तो मन स्मृति जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया है। राहुल जी दक्षिण की ओर रुक किए हैं और जब वहाँ पर रुक किए तो साथ ही साथ उनके जो पढ़ाई लिखाई के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू। मुझे लगता है इस पर चुप्पी क्यों है, कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये सवाल इतने दिन बाद क्यों उठाया कि राहुल गांधी विदेशी? जैसे आप जैसे मित्रों ने जब सूचना दी होगी, जनता के बीच में आई है, मुझे लगता है जब आई ही गई है तो इसका स्पष्टीकरण तो कांग्रेस को देना चाहिए। और सच्चाई क्या है देश जानना चाहता है। टाइमिंग को सरकार को जांच करानी चाहिए थी। अगर इस तरह की बात थी, तमाम जांच कराए उन्होंने, तमाम इस तरह के विरोधियों ने कहा। मुझे लगता है एक बार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ कहे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कुछ कहना बनता है। कुछ छिपाया गया? लेकिन आज बहुत कुछ ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि आखिरकार इस मामले पर इतना सन्नाटा क्यों, इतनी चुप्पी क्यों? राहुल जी जो कल तक गला फाड़ फाड़ कर बाकी विषयों पर बोलते थे, जब बेल की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, उनकी सर्टिफिकेट्स, उनके नाम को लेकर, उनकी बहुत सारी बातों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, तो चुप क्यों हो जाते हैं? देश जवाब मांगता है, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के दो दिन से है कि कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार चोर है। मुझे लगता है उस पर उनको कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूठ के नए कीर्तिमान बनाने का सर्टिफिकेट मिले तो राहुल गांधी जी को मिल सकता। राहुल गांधी के दो दिन कांग्रेस ने झूठ के नए कीर्तिमान खड़े किए और झूठ जल्दी पकड़ा गया। कोर्ट में भी हम लोग गए, कोर्ट ने लताड़ लगाई। अब देखते हैं इस पर राहुल गांधी जी क्या उत्तर देते हैं। झूठ बोलकर शूट एंड स्कूट, ये उनका पुराना रहा है कि गाली निकालो और आगे निकल जाओ, ये चलेगा नहीं। देश जानता है, जब पिछली बार इन्होंने कहा था कि मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, तो देश की जनता ने देश बेचने वाली भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दिया। ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये कहते हैं चौकीदार हैं, हम कहते हैं चौकीदार हैं। देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मोदी जी ने दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, कालेधन के खिलाफ नकेल कसी है। अब वो कहते हैं नोटबंदी करके कमर तोड़ दी, आम जनता कहती अच्छा किया। कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को लगता है कि हमारी कमर तोड़ दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी के पास 281 करोड़ रुपया मिलता है, उनके पुत्र 660 करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा करते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री लगभग 200 करोड़ की अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं। आप कल्पना कीजिए, कैश 281 करोड़ किसी मुख्यमंत्री के करीबी के पास मिले तो कांग्रेस अभी तक उस पर भी जवाब नहीं देगा। ये भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा खाया गया, हजारों करोड़ रुपये किसके लिए बने थे, किन योजनाओं के माध्यम से खाए गए, कांग्रेस इस पर चुप क्यों है? राहुल गांधी जी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं।